Recording is on. Dear students, my class, कल अपन पढ़ रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें अपन ने ताप परिवर्तन को देखा, एक प्रयोग किया था कि अपन ने एक बीकर लिया था, उसमें बस डाली थी, है ना। तो क्लास हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आस पास के पदार्थ, है ना। और डेट हो जाएगी अपनी 7/8/2020। हमारे आसपास के पदार्थ और हमारे आसपास के परिवर्तन, अपने पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो, कौन कौन सी तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं बताई, है ना। अपने कंडीशन रखी थी कि क्या पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं क्या, तो अपन ने कुछ प्रयोग बताया, है ना। उस प्रयोग के अकॉर्डिंग, है ना, तो जो कहते हैं कि जब अपन एक बीकर लेते, ये मेरा बीकर था, इससे कुछ डेफिनेशन वगैरह बनेगी, इसलिए ये बीकर है और इसमें मैंने लगा दिया एक थर्मामीटर, ठीक है, और इसमें लगा दी मैंने ग्लास रूल, कांच की छड़, कांच की छड़, ये मेरा स्टैंड हो गया, स्टैंड से मैंने थर्मामीटर को अटैच कर रखा है, और ये रखा हुआ है अपने, ये इसको कहते हैं जाली, वायर गेज बोलते हैं इसको, और यहाँ पर रखा हुआ है बर्नर, इसको कहते हैं अपन बर्नर जाली, और यहाँ रखा हुआ है अपने पास बर्फ का टुकड़ा, देन मुझे कहलाता है अपना स्टैंड, ठीक है, स्टैंड कहलाता है, इसको बोलते हैं अपन कांच की छड़। फिर अपन ने बात करी थी यहाँ ताप परिवर्तन के प्रभाव, ताप परिवर्तन के प्रभाव में क्या बात करी थी, उन्होंने बोला जब अपन बर्फ के टुकड़े को ऊष्मा देते तो उष्मा या ताप पाकर कण, पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पहले मैंने कहा पदार्थ के कणों में गति ऊर्जा होती है, और जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ती है, ठीक है। तो बर्फ है, कण बहुत पास पास है, आकर्षण बल से बंधे हुए, जैसे इसको उष्मा दी, इसको ताप दिया, तो उसके कण क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और कण टूटे तो इसके पार्टिकल्स दूर दूर, या आकर्षण बल टूटने लगेगा, या आकर्षण बल कमजोर होने लगेगा, टूटने लगेगा, कण एक एक कण दूसरे कण से दूर जाने की कोशिश करेगा, तब ये बर्फ किससे बदल जाएगी, अपने पास द्रव अवस्था में बदल जाएगी, किससे बदल जाएगी, द्रव अवस्था में बदल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ एक वर्ड आता है, जब ठोस किससे बदल जाए, द्रव में, है ना, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, एक तरह से गलन, गलन गलना बोलते हैं, बोलते किसी पदार्थ का गलना, है ना। तो ठोस जब द्रव में बदल जाए दैट इज गलन, है ना, ठोस का द्रव में बदलना गलन। एक वर्ड आता है इसका गलना, गलना, और गलना को बोलते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग, है ना। तो गलना के लिए डेफिनेशन आती है किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर किसी ठोस पदार्थ का, किसी निश्चित ताप पर किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलना,
है ना, किसी निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना या नियत ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? नोट्स के कल आ गए थे है ना सारे के सारे। अब दूसरी बात यहाँ पे और करते हैं, कोई गलनांक की बात, एक और वर्ड आता है इसको बोलते हैं अपन गलनांक भी बोल सकते हैं, इसको संगलन भी बोलते हैं, संगलन है ना, गलनांक बोल सकते हो, संगलन बोल सकते हो है ना, संगलन भी अपना ही कहलाता है, सेम जो गलनांक है वही अपना संगलन कहलाता है। एक आता है संगलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं है ना, एक और वर्ड आता है इसका गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, और या इसको बोलते हैं संगलन की, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा है ना, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं या संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? बोलते हैं एक वायुमंडलीय ताप पर, एक वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर एक किलोग्राम ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए दी गई निश्चित ऊष्मा क्या कहलाती है? अपनी गुप्त ऊष्मा या संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक वायुमंडलीय दाब पर एक किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? अपनी के लिए आवश्यक ऊष्मा संगलन की, आवश्यक ऊष्मा संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक बार ये गर्मी संगलन है ना, ठोस को द्रव में बदल दिया। अब नेक्स्ट देखो, द्रव को वापस गैस में बदल दिया है ना, ये तो इसका प्रयोग था, सेम प्रोसेस करनी है। अब बर्फ की जगह आपको क्या लगे कि ठोस को किसे बदल दिया? द्रव में। तो ये चीज थी गुप्त ऊष्मा वगैरह की। दूसरी बात यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बर्फ की जगह क्या ले लिया अपन ने? जल। जल मतलब कोई भी द्रव पदार्थ, क्योंकि बर्फ किसमें बदलेगी? जल है ना। द्रव किसमें बदलेगा? गैस में बदलेगा। द्रव किसमें बदलेगा? गैस में बदलेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। या अपन कह सकते हैं द्रव किसमें बदली? गैस में। इसको अपन दो नाम ले सकते हैं, एक तो ले सकते हैं पथनाम, पतन बोलो, पथनाम बोलो, पथन या पथनाम, और एक वर्ड और आता है इसका जिसको अपन बोलते हैं वाष्पीकरण, क्योंकि गैस बन गई इसलिए बोलते हैं वाष्पीकरण। अब इसको अधिक ऊष्मा, एक द्रव बन गया, द्रव बदलने के बाद तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ा मतलब कणों की गतिज ऊर्जा भी और अधिक बढ़ेगी, कणों की गतिज ऊर्जा भी और अधिक बढ़ेगी, और जब कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा? ये द्रव किससे बदल जाएगी? ये द्रव किससे बदल जाएगा? गैस से बदल जाएगा। किससे बदल जाएगा? गैस से बदल जाएगा है ना। इसी को क्या बोलते हैं अपन? क्वथन। क्वथन की डेफिनेशन क्या है? तो क्वथन के लिए अपन क्या बोलते हैं कि किसी निश्चित ताप पर या किसी ताप पर, किसी ताप पर द्रव का उबलना क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है, क्वथन कहलाता है। सेम वही जैसे गलनांक था वैसे क्वथन। अब क्वथन की जगह अपन एक वर्ड लेते हैं क्या? क्वथनाम की है। क्वथन की जगह क्या लेंगे? क्वथनाम लेंगे। क्वथनाम क्या होता है ना, क्वथनाम क्या होता है? तो बोलते हैं एक वायुमंडलीय दाब पर एक लीटर, एक वायुमंडलीय दाब पर एक लीटर द्रव का उबलना या द्रव का गैस में बदलना या द्रव का उबलना क्या कहलाएगा? क्वथनांक। निश्चित ताप, उस ताप पर क्या होगा? द्रव उबलेगा है ना। तो ये अपना क्या कहलाता है? क्वथन या क्वथनांक कहलाता है। इसमें टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? नियत, नियत ताप,
है ना, नियत ताप पर किसी द्रव का उबलना क्या कहलाएगा, अपना नाम द्रव का उबलना। हाँ, द्रव उबलने के बाद उसका वाष्पीकरण भी श्योर है कि हो गया होगा, वाष्पीकरण होगा इसलिए इसको नाम कह दिया आपने द्रव वाष्प, वाष्पमंडली, इसलिए क्या हो गया वाष्पीकरण। क्लियर, ये चीज। फिर इसकी भी गुप्त ऊष्मा होगी, इसकी भी मतलब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, जैसे संगलन की थी प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा, इसकी भी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वही एक वायुमंडलीय ताप पर है ना, एक वायुमंडलीय ताप पर किसी द्रव का उबलना, द्रव के उबलने के लिए दी गई आवश्यक ऊष्मा, या द्रव को गैस में बदलने के लिए दी गई आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है, ये जो ये ताप परिवर्तन की बात, एक चीज हो रही है अभी, एक चीज आएगी अपने पास जिसको अपन कहते हैं ये तो हो गया, देखो द्रव में बदला, द्रव गैस में बदला, अब वापस किसमें बदलना है, गैस को द्रव में बदलना है, गैस को द्रव में कैसे बदलोगे, गैस को द्रव में कैसे बदलोगे, तो गैस को द्रव में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन, कि कोई भी गैस है अपने घर की, सपोज करो कोई गैस है और गैस को द्रव में बदलना है, क्या करोगे, ठंडा करोगे क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, उसका ताप कम करोगे तो गैस किसमें बदल जाएगी, द्रव में, है ना, तो दाब बढ़ाना पड़ेगा, क्या बढ़ाना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा, वो अपने बाद की बात है, दाब परिवर्तन का प्रभाव पड़ेंगे, तो यहाँ पे तापमान को कम करके किसी गैस को किसमें बदला जा सकता है, द्रव में बदला जा सकता है ना, और गैस को एक साथ बताऊंगा वापस, गैस को जब द्रव में बदला जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, संघनन में, क्या कहते हैं उसको, संघनन कहते हैं, क्योंकि ताप को क्या कर रहे हैं अपन, कम कर रहे हैं, ताप कम कर रहे हैं अर्थात ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा करने पर क्या हो जाता है, ये चीज है संघनन। संघनन के बाद एक और आती है जिसे बोलते हैं कि अपन ने बात करी है, दूसरी बात संघनन, द्रव से वापस गैस से वापस द्रव बन गया है ना, तो एक वर्ड और आता है जब बोलते हैं गैस सीधा ठोस में बदल जाए, गैस सीधी ठोस में बदल जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन है ना। अब ऊर्ध्वपातन क्या है, गैस द्रव में बदले बिना ही किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए, तो इसके वही स्टैंड स्टैंड बनाते हैं है ना, स्टैंड में यहां पर अपन एक बीकर लेते हैं, बीकर ले लो कोई भी ले लो, चाइना डिश ले लो, क्या ले लो, स्टैंड, यस, इसके ऊपर रखी हुई ये प्याली है ना, ये प्याली, प्याली में अभी आपने अमोनियम क्लोराइड या सिरका कुछ भी ले लो, अमोनियम क्लोराइड या सिरका ले लिया, इसके ऊपर रख दिया आपने फनल, फनल यानी होता है की, और स्कीप भी यहाँ लगा दिया अपन ने रिंग, ये ओपन क्यों, और नीचे इसको अपन क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर बर्नर लगा दिया, ये मेरा क्या हो गया बर्नर, इसको अपन क्या कर रहे हैं ऊष्मा है ना बर्नर, और इसको अपन ने स्टैंड पर लगा दिया। अब क्या होगा, जैसे ही ऊष्मा दोगे तो ये ठोस कण किसमें बदलेंगे, पहले क्या होगा द्रव है ना, ऊपर अपन ने क्या लगा दिया दाब, ढक्कन से क्यूइंग का ढक्कन लगा दिया, ये द्रव में बदलेगा, यहां जाके टकराएगा, टकराने के बाद वापस अंदर क्या होगा ठंडा, और ठंडा होने के बाद ये वापस किसमें बदल जाएगा, ठोस है ना, ये ठीक है, गर्म किया ठोस का, द्रव में बदला द्रव को वापस ठंडा किया किसे बदल दिया ठोस, और गैस बनेगी, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तापमान जैसे बढ़ेगा पहले गैस बनेगा, गैस ठंडी होकर द्रव में बदलेगी, और द्रव किसमें बदलेगा बस इसे बदलेगा ठोस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, जब बोलते हैं कि एक वायुमंडल के ताप पर या एक निश्चित ताप पर जब गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाए, सीधे ही ठोस में परिवर्तित
ऊर्जा, तो हमने क्या कहलाएगा ऊर्ध्वपतन कहलाएगा। ये चीजें थी कुछ इसकी, और अपन इसकी बात करते देखो एक चीज और हमें बता दो पूरे जो प्रयोग थे इसकी पीडीएफ आ गई है और कल आपको नेक्स्ट और देखो इसके बात करते हैं नेक्स्ट इसकी बात करते हैं देखो इसके लिए ठोस है ना, ठोस को बदला किसने द्रव, द्रव को कहते हैं अपन द्रव्यता, ठीक है, या बदलन बोल सकते हो इसको अपन किसे कहते हैं संघनन, संघनन, ठीक है। द्रव किसमें बदली गैस, द्रव किसमें बदली गैस है ना, और द्रव गैस में बदल रहा है मतलब क्या हो रहा है वाष्पीकरण नाम वाष्पी, ठीक है, गैस पुनः वापस क्या होगी द्रव में बदल, जिसको अपन क्या कहते हैं संघनन। यहां पे एक वर्ड और ले सकते हैं क्वथन से संघनन, और संघनन के बाद द्रव वापस गठबोध में बदलता है तो कहलाता है एक तरह से निक्षेपण भी कहलाता है, या सीधा गैस ठोस में बदले इसको अपन क्या कहते हैं ऊर्ध्वपात, है ना, अमोनियम क्लोराइड जिसे अपन लोग साधारण वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। ये तो भी इसकी बात। अब आते हैं अपने दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब परिवर्तन क्या उसके बारे में बात है ना, दस नहीं और पास दाब परिवर्तन के प्रभाव की बात करते हैं। अब ये तो हुई इसकी सारी बात, दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या है, वही दाब लगाओगे दाब बढ़ाओगे उच्च दाब और निम्न दाब पर कोई भी गैस द्रव अवस्था में बदल जाए, है ना। तो यहाँ पे अपन लेते हैं प्रयोग देते हैं दाब दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब क्रिस्टल ये अपने पास एक पात्र इस पात्र में लगा हुआ है ये क्रिस्टल, इसके अंदर लगा दिया मैंने अब पहले अणु कितने थे दूर दूर भी थे, ठीक है। जैसे पिस्टन पर अपन क्या करा दाब लगाया सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे पास पास और भी दाब लगाओगे तो और पास पास आ जाएंगे, क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये कौन सी अवस्था होगी, एक तरह से गैसीय अवस्था, थोड़ा द्रव में बदला फिर सॉलिड में बदला, है ना। तो दाब परिवर्तन दाब क्या अपन ने क्या बोले थे शर्त क्या है उच्च दाब, उच्च दाब है ना व निम्न दाब, अरे दाब को कम करते हो तो किससे बदल जाता है, जैसे टेम्परेचर लो करो दाब को कम किया जाए बोलो ठोस किसमें बदल जाएगा, ये सॉरी दाब को कम करो क्या क्या हो जाएगा बोलो फटाफट, उच्च दाब और निम्न दाब है ना, उच्च दाब और निम्न दाब पर कोई गैस क्या हो सकती है, दाब बढ़ाओगे जितना दाब बढ़ाओगे गैस क्या हो जाएगी द्रवित अवस्था में आएगी, है ना। अब अपन यहाँ पे करते हैं वर्ड देते हैं ठोस CO2, ठोस CO2 को एक निश्चित दाब पर क्या कर सकते हैं द्रवित कर सकते हैं, और ठोस CO2 को अपन क्या बोलते हैं शुष्क बर्फ, ये इंपॉर्टेंट है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ठोस CO2 को कहा जाता है, और CO2 को अपन द्रवित कर सकते हैं एक निश्चित ताप पर इसको द्रवित किया जा सकता है, या तो CO2 को द्रवित किया जा सकता है, ठीक है। ये अपनी बात है किसकी ताप परिवर्तन के प्रभाव। अब आ जाते हैं अपने पास मैंने अभी बताई दिया यहाँ पे फोर्स भी ताप परिवर्तन हो गया, फिर अपने आता है यहाँ पर वापस बना रहा उसको फोर्स, फोर्स को द्रव में बदलना, फोर्स को द्रव में बदलना और गैस में बदलना, ये याद रखना जिंदगी में कभी भी, फोर्स को द्रव मतलब
द्रव गैस में मतलब वाष्पीकरण या वाष्प, इसको ठंडा करने मतलब गैस द्रव में मतलब संघनन, और द्रव वापस कोष में मतलब निक्षेपण, निक्षेपण बोल दो है ना, ये चीज है हिमांक बोल दो हिमांक। इस कोष मतलब क्या लिया आपने, बर्फ, बर्फ किससे बदली जल में, जल किससे बदला गैस, है ना सारे, ये भी गलन या संगलन वाष्प, और फिर संग्रहण ठंडा करो, ठंडा करने पर संग्रहण होगा जल में आएगा, और जल को और ज्यादा ठंडा करो तो किससे बदल जाएगा बर्फ, इस हिमा, हिमा मतलब हिम, मतलब बर्फ जैसा है ना, इसीलिए इसको निक्षेपण भी, निक्षेपण भी बोल सकते हैं और नाम भी। ओके ये आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना वाष्पीकरण, इसका आता है वाष्पीकरण, है ना, वाष्पीकरण किसे अभी अपन ने पढ़ा है, ताप परिवर्तन पढ़ लिया, ताप परिवर्तन मतलब जब बर्फ को आप ताप दे रहे हो तो द्रव अवस्था में बदल, ठीक है, दूसरी बात गैस पर दाब लगा रहे हो तो वो भी द्रव अवस्था में बदल, ताप बढ़ाओगे ताप को कम करना पड़ेगा तो द्रव अवस्था में परिवर्तन। नेक्स्ट, और नेक्स्ट नया टॉपिक जो कंटिन्यू करेंगे दैट इज वाष्पीकरण, वेपोरेशन, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, ये देखो वाष्पीकरण मतलब वाष्प में परिवर्तित होना, क्या कहलाता है वाष्पीकरण, है ना, जितना ज्यादा तापमान या अपन कहते हैं देख लेना अभी तपेली में गर्म पानी उबालो निश्चित एक बार ठंडा होगा तापमान बढ़ेगा, एक तापमान क्या हो जाएगा फिर निश्चित उस ताप पर क्या होगा वो कंटिन्यू द्रव उबलता रहेगा। ओके आज की इनफ, क्लास थैंक यू।